नळ राजांकु जो सर्प दंशन करिथिला ता ना होची कर्कोटक। दंशन करिबा मात्रे सर्प दंशन कले लोक मरि जाय, किंतु नळंकर क्षति किछि हेलानी, नळंकर रूप विरूप हे गला कर्कोटक दंशन करिया परे। तमकु सुनिथिले बाबा ए कथा? आज्ञा से महाभारत रे। हां आज्ञा, कर्कोटक सेनाग आ नळ होचंति पुण्यश्लोक राजा। नळंकु दिने जने पचारिला, कहला आपण तो मुंड चुट्टीटा को एमती कुंडांते मझीरे दीपाल गोटे सूतानी करी कहीं भांग करी कुंडी चंती। नळ गोटे उत्तर दे थिले, इत्ते पुण्य श्लोक देख केते धर्मात्मा। कौन उत्तर दे थिले? गोटे श्लोक कहूछ, विभार्ज्य मेरु न जदर्थ सात कृतो न सज्ग न सर्ग सिंधु जल व्यय मरुहु अमानित तेनंग निजा जसो जुगं दीपाल बधाश्ची कुरासी रस्तिता। अर्थ नळ राजा कहते मुंड को दीपाल करी अर्थ मु दीटा अपजस मुंड धारण कर गोटे नुह दीटा अपजस माने मोर जस नुह अपजस। नळ भलिया पुण्य श्लोक राजा अपजस कौन कले कौन खराब काम कले? नळ कहले नाई मोर अपजस हूँ एटा विभर्ज्य मेरु मेरु पर्वतटा जी बड़ मेरु पर्वत तुलनारे आकारे सुवर्ण बा सुना मु ब्राह्मण मानकु दान करि पारि नाही। जोटा दान करिछि अल्प, किंतु मेरु पर्वत भलिया सुवर्ण दान करबाकु मु भाबितिले किंतु करि पारिनी। एटा मोर गोटे अपजस। आउ नश्चर्क सिंधु जल बेर मरु सिंधु जल सिंधु माने समुद्र। जेतेबेले दान करा जाय सेतेबेले पानी टिके गड़े दिया जाए, दान करिकि पानी टिके गड़े दिया जाए। ये पानी टिके टिके गड़े गड़े मुझे समुद्र टा को सुखाई दे पारिनी। एटा गोटे मोर अपजस। केड़े बड़ दानी केड़े बड़ पुण्य श्लोक थिले नळ राजा। जाऊना कहीं कर्कोटक राजा नळ को दंशन करिथिला एहा महाभारत रे अछि। एवं श्रीहर्ष मिश्रंकर लेखा नैषद महाकाव्य रे मध्य अछि, एवं कालिदासंकर लेखा नळोदय नाटक रे मध्य अछि। एहा सत्य।